आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्राची पारसर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जिले में दिनों दिन बढ़ती आपराधिक घटनाओं व बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाने एवं बीते दिनों मकरोनिया में हुई हत्या की वारदात में मृतक जगदीश यादव के आश्रितों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने व हत्या में शामिल सत्तारूढ़ दल के भाजपा नेता एवं उनके परिजनों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला शहर कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष रेखा चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि जिले भर में लंबे समय से सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों एवं महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। सत्तारूढ़ दल के दबाव में आकर निर्दोष लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। इनमें से अनेक घटनाओं में सत्ता दल के नेताओं के दबाव में आकर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि हाल ही में शहर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में राजनीतिक रंजिश के चलते पिछड़ा वर्ग के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसमें सत्तारूढ़ दल के एक नेता और उनके परिजनों के नाम सामने आए हैं। पुलिस प्रशासन सिर्फ दिखावे की कार्यवाही कर रही है, अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके कारण पुलिस और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली से आम जनता के बीच सरकार तथा संवैधानिक न्याय के प्रति लगातार कमी आ रही है। ज्ञापन में मांग की गई कि जनमानस में संविधान तथा कानून का सम्मान बनाए रखने के लिए मकरोनिया की दर्दनाक घटना में शामिल आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए तथा मृतक जगदीश यादव के आश्रितों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। सागर से जिला ब्यूरो राजेश पारासर की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके से परसों मकरोनिया के क्षेत्र में जो है यादव समाज के एक बच्चे की हत्या कर दी गई और खड़े खड़े उसको सीधा गाड़ी से उड़ा दिया गया। अपराधियों के हौसले इस समय मध्य प्रदेश में इतने ज्यादा बुलंद हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो संरक्षण अपराधियों को दिया जा रहा है वो ना तो उनके अंदर कोई भय है ना डर है, और अगर सीधा साधा कोई व्यक्ति उनके गलत बातों का विरोध करता है तो उनकी हत्या सरेराय कर दी जाती है। इसका उदाहरण सीधे तौर पर मकरोनिया में हमको देखने को मिला है। आज इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश सरकार को इस बात को चेताया है कि आप अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें, उनके ऊपर कार्रवाई करें, और जिस व्यक्ति ने, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके पूरे परिवार ने मिलकर जगदीश यादव की हत्या की है उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उसके परिवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि उनको दी जाए, और जो चुनावी रंजित जो कहीं ना कहीं उसके मन में थी कि चुनाव हार गए थे वो, तो उसको लेकर जो हत्या की गई उस सारी बातों के विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है। और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि आप अविलंब उनको सोमवार तक गिरफ्तार करिए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करिए। अगर सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी एक बड़े जन आंदोलन के लिए बात होगी, और जब तक उस व्यक्ति को और उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है जब तक कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर कर जन आंदोलन करेगी।